सुबह ऑपरेशन जिंदगी की सबसे सुखद तस्वीर जो बोल रहे हैं कि ठीक सुन रहा हूं, रेस्क्यू टीम के लिए सबसे सुकून देने वाला पल दिखने लगा, पहाड़ तोड़ मशक्कत का नतीजा। अगला प्रोब माइक के साथ डालेंगे। मिशन लाएगा रंग, फंसे लोग होंगे हमारे संग। रेस्क्यू टीम को हिंदुस्तान का सलाम। जिंदगी की जंग जीत जाएंगे हम। सीधे चलते हैं प्रियंका कांडपाल और सत्येंद्र के पास, लेकिन सबसे पहले प्रियंका, आप जिस टनल पर खड़ी हैं, जिसके सामने खड़ी हैं, वहीं पीछे वो बड़ी पाइप दिख रही है, क्या वहीं से उसी के जरिए हवा पहुंचाई जा रही है टनल के अंदर? और ये जो बड़ी पाइप्स जो अब ड्रिल की जाने वाली हैं, वो भी क्या इसी तरफ से, इसी सामने की तरफ से होने वाली? नहीं, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं आनंद। जिन पाइप्स को आपने पहले पहचाना था, वो पाइप्स अब क्रेन की मदद से अंदर जा रही हैं। और अच्छा। ये वही पाइप्स हैं जिनको वेल्ड करके ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। अभी अंदर वेल्डिंग शुरू हो चुकी है, एक पाइप तीन पाइप्स में से अंदर जा चुका है। अब क्रेन अगले पाइप को यहाँ पर उठाने वाला है। ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, ये आपको हर बनती हुई टनल में नजर आएगा। ये लगातार एयर पास करने के लिए होता है और इसका इस रेस्क्यू ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो पाइप्स लेकर जा रहे हैं, ये है मेन जिनसे हम आगे की ड्रिलिंग और आगे के ऑपरेशन पर डिपेंडेंट है। क्रेन फिलहाल मौजूद है, जैसे ही पाइप को उठाएगी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी एक पाइप अंदर है। अभी जानकारी जो मिली है तो उसके वेल्डिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 2 घंटा तकरीबन वेल्डिंग में ये समय लगता है और उसके बाद वेल्डिंग के बाद तकरीबन 1 घंटा इंतजार किया जाता है और उसके बाद ड्रिलिंग की प्रोसेस शुरू होती है। यानी कि आज 3 घंटे में तकरीबन ये माना जाएगा कि ड्रिल जो है वो दोबारा से शुरू हो गया, जो कि तकरीबन 3 दिन से बंद है। आज जैसे ही वेल्डिंग खत्म हो जाती है, उसके ठंडे होने के बाद ड्रिल का काम, ड्रिल को पुश करने का काम शुरू हो जाएगा। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि आज रात तक शायद एक और पाइप जो है वो ड्रिल हो जाए। और इस एक पाइप के ड्रिल होने के साथ ही अभी तक जो हमारा 24 मीटर जिसमें से 22 मीटर मलबे के अंदर है, 2 केवल बाहर है, तो ऐसे ही 6 और मीटर हम आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि 60 में से अगर आज ये पूरा ड्रिल हो गया तो आधे रास्ते को आज हम रात को कवर कर लेंगे, मलबे तक हम उतना ड्रिल कर लेंगे। और ये पाइप जो नजर आ रही है, ये 900 mm की है। और ये जो पाइप है, इनको पूरा बिछाकर एक, आप मानिए, एक पाइप का टनल टाइप का ही बना लिया जाएगा। इससे जो तमाम मजदूर हैं वो घुटने के बल बैठकर या क्रॉल कर या लेट कर इनसे बाहर आएंगे। ये डायमीटर इसी तरीके से चूज किया गया है इस पाइप का, जिससे बहुत ज़्यादा काम भी ना हो, जिससे बहुत जल्द लोगों तक पहुँचा जा सके और वो सेफली बाहर निकल सके। तो ये पाइप्स यहाँ पर फिलहाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो दूसरी हम लाइफलाइन पाइप की बात कर रहे हैं, वो बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आएगी। खाने के अलावा जिस तरीके से पहले भी एंडोस्कोपी फ्लेक्सी कैम से अंदर की पूरी सिचुएशन को देखा गया है, और रोबोट्स भी आनंद यहाँ पर आए हुए हैं। कल जो जानकारी हमें मिली थी तो ये कहा जाता है कि रोबोट्स क्योंकि प्लेन सरफेस में चलते हैं, ऐसे में कल इसलिए रोबोट्स को नहीं चलाया गया क्योंकि ये चेक किया जा रहा था कि मलबे पर क्या वो चल पाएंगे, क्या उन छोटे रोबोट्स हैं, डक्स रोबोट्स हैं ये, इनको क्या इसी 6 इंच के पाइप के अंदर भेजकर आगे देखा जाएगा। तो ये तमाम चीजें अभी यहाँ पर हैं। तो फिलहाल जो लाइफलाइन पाइप है, उनका इस्तेमाल रेस्क्यू के लिए भी किया जाएगा, खाने के लिए भी किया जाएगा, ऑक्सीजन के लिए भी किया जाएगा। लेकिन ये जो पाइप दिख रही है, इन्हीं से चलकर हमारे जो तमाम मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, 41 मजदूर बाहर आएंगे। तो यानी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये जो फ्रंट एंड से ड्रिलिंग की जा रही है और जो अप्रोच है, ये सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है, या प्लॉजिबल अप्रोच जिसे कहा जाता है, तो वो हो सकता है। तो वर्टिकल ड्रिलिंग क्या रोकी जाएगी जब तक कि यहाँ पर कोई अड़चन नहीं आती? क्या अब मेन फोकस यहाँ फ्रंट एंड से है कि या दोनों एफर्ट्स साथ ही होने वाले हैं? देखिए, थोड़ी देर पहले ही हमारे जो इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहाँ पर स्पेशली बुलाए गए आनंद, एक उनसे ये बात हुई थी और यही सवाल मैंने भी उनसे किया था कि जहाँ पर ऑलरेडी एक लाइफलाइन पाइप आ चुकी है और अब ड्रिलिंग का काम शुरू हो रहा है, तो क्या वर्टिकल ड्रिलिंग को होल्ड किया जाएगा? उनका कहना था कि 1-2 नहीं बल्कि 5 पॉइंट में हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये सबसे छोटा रास्ता जरूर है, ये जो टनल का रास्ता आप देख रहे हैं, क्योंकि केवल 60 मीटर यहाँ पर पहुँचना है, जिसमें से 22 हम पहुँच भी चुके हैं। ऊपर से जो हम शुरू करेंगे आनंद, उसके लिए हमें 88 मीटर आना है, 88 मीटर्स आना है, वो और ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। लेकिन
फिर भी हम पांच के पांच मोर्चों से एक जो सामने दिख रहा है, एक वर्टिकल लेफ्ट और राइट में हॉरिजॉन्टल, और एक पीछे जो टनल का जो दंडाल गांव है जहां पर ये टनल खुलती है वहां भी काम शुरू हो गया, वहां से भी माइक्रो टनलिंग होनी है जबकि वो सबसे दूर है। तो ऐसे में पांचों मोर्चों पर काम हो रहा है कि कैसे भी बस लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जी, तो यानी लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट ये 60 मीटर का है प्रियंका, जो अपडेट दे रही थी, जो आपने देखा 88 मीटर का हाइट है ऊपर, और जैसे ही विजय ने ऊपर पैन किया तो आपने देखा सॉलिड रॉक है, एकदम पत्थर है वो। उस पत्थर के अंदर से ड्रिल करके 88 मीटर नीचे जाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन वो कोशिश भी चलेगी। लेकिन ये सबसे ज्यादा है, यहाँ 22 मीटर अंडर ऑलरेडी जा चुके हैं, तो मान लीजिए करीब 38 से 40 मीटर और आगे अंदर जाना है, और अगर बहुत ज्यादा वहां पर हार्ड रॉक नहीं है और इन पाइप्स को अगर उसी खाने के पाइप के बगल में से अगर निकाल लिया जाता है तो जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर भी लाया जा सकता है। वहीं उत्तरकाशी के सिल्कियार में रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सुरंग के अंदर और बाहर क्या स्थिति है ये तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन इन ग्राफिक्स के जरिए इसको समझिए। कोशिश ये है कि 10 दिन से फंसे मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। अगर आप देखें तो सुरंग के अंदर से सारे मजदूर कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, और अगर इस ग्राफिक को अगर यहां समझने की कोशिश करें तो आप देखें कि मजदूर कहां पर हैं और पाइप्स कहां पर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां तक ड्रिलिंग हो चुकी है, ये 22 मीटर है जहां तक की ड्रिलिंग हो चुकी है और पाइप्स अंदर आ चुकी हैं और यहां इन कलवर्ट्स को लाया जा रहा है। लेकिन अब आप देख रहे हैं यहां मिट्टी के हिस्से और इन दोनों के बीच में ये हार्ड रॉक एकदम टाइट पत्थर है, और ये करीब 30 मीटर के ये पत्थर हैं, इनके थ्रू इनको काट करके अंदर जाना यही मुश्किल बात हो रही है। लेकिन ऊपर की सतह से एक पाइप निकाल लिया गया है और यहीं से अब इस दूसरी पाइप को भी डाला जा रहा है, यानी खाने का पाइप यहीं से था, अब उसी के बगल से इस पाइप को डाला जा रहा है ताकि यहां से रेंग कर ये सारे मजदूर बाहर की तरफ आ सकें। क्या ये हो पाएगा, क्या उन्हें यहां एक गैप मिला है इन पत्थरों के बीच में जहां से इसको ये ड्रिलिंग कर यहां तक पहुंचा जाए, सबसे बड़ी बात वो है। और वीडियो में हमने एक बात खास देखी कि इन मजदूरों ने पिछले 10 दिन में जो मलबा अंदर गिरा है उसको छेड़ने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि अगर उस मलबे को छेड़ते हैं तो और भी यहां धस सकता है और भी यहां पर प्रॉब्लम हो सकती, तो वो उन्होंने नहीं किया है, ये सबसे बड़ी बात है। वहीं उत्तरकाशी में टनल से मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, और टनल के अंदर पांचवी पाइप डालने का काम शुरू कर दिया गया है, जिस पाइप से मजदूर बाहर निकल कर आएंगे उनकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। पांच जगह ड्रिलिंग होगी, पिछले 10 दिनों से सुरंग में फंसे हैं 41 मजदूर, उन्हें बाहर सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन ये वो पाइप्स हैं जो हमने न्यूज 18 पर यार यहाँ अखाड़ा में सबसे पहले आपको दिखाया। जो अभी आपको ऊपर पाइप दिख रहा है वो हवा वाली पाइप है, वो मजबूत पाइप नहीं है, वो पतली पाइप है, हवा वाली पाइप है, और वो सिर्फ कॉन्ड्यूट है लेकिन अंदर तक नहीं जा रही है, वो करीब 20-30 मीटर अंदर जा रही है उसके बाद रुक जा रही है। लेकिन अब आपको और तस्वीरें, ये देखिए ये वो तस्वीरें हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर इन पाइप्स को वेल्ड किया जा रहा है, वेल्ड कर करके एक लंबी पाइप्स का एक ट्यूब जैसा बनाया जा रहा है, और ये पाइप्स इतनी चौड़ी है कि इंसान इसके अंदर से रेंग रेंग कर आ सकता है, चलकर आ सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखें तो ऐसी ही पाइप्स हैं, इन पाइप्स को वेल्ड किया जाएगा और इसके आगे एक ड्रिल मशीन है, वो ड्रिल करते करते इन पाइप्स को लगाती जाएगी, और क्योंकि ये एकदम मजबूत लोहे की पाइप्स हैं तो अगर ऊपर से थोड़ा सा अगर गिरता भी है या फिर कुछ मलबा भी इसके ऊपर गिरता है तो इसको डैमेज उतनी जल्दी नहीं होगा, और अंदर जो मजदूर हैं उनको कुशन भी मिलेगा क्योंकि एकदम सॉलिड लोहे की पाइप्स हैं। इन पाइप्स के अंदर से इंसान धीरे धीरे झुक करके और फिर रेंग करके बाहर आ सकता है, तो इसको ऊपर से लगाने की कोशिश की जा रही है उन पत्थरों के बीच से, और ठीक उसी 6 इंच की पाइप के बगल से जिसके थ्रू अब खाना और पानी भी पहुंचाया जा रहा है मजदूरों को। सबसे बड़ी बात हमने उस वीडियो में यही देखी, मैं बार बार वही कहूंगा कि 9 दिन के बावजूद वो 41 मजदूर वहीं बचे हुए हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान दिखी है, और वो इंस्ट्रक्शंस को सुनकर उसका पालन कर रहे हैं। तो ऊपर से बाहर से जो एक्सपर्ट्स उन्हें कह रहे हैं वो उसे सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक वो अंदर सुरक्षित हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि अगले 40 घंटों में ये जो जितने रेस्क्यू वर्कर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन्हें सफलता मिले। थोड़ा इनके बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है कि ये मजदूर जो टनल का काम कर रहे थे वो अब जान बचाने में लगे हैं अपने सहयोगियों की, उनके साथ BRO काम कर रही है, आर्मी की टीम पहुंची है, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ पहुंचे हैं, हर कोई यही चाहता है कि उन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए।